दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जम्मू कश्मीर के तीन आइलैंड के बारे में। दोस्तों आइलैंड जिसे आप द्वीप या टापू भी बोल सकते हो। दोस्तों इनमें से दो आइलैंड काफी खूबसूरत हैं और एक आइलैंड काफी खतरनाक और मिस्टीरियस है। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इन आइलैंड की लोकेशन कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को जल्दी ही शुरू करते हैं। नंबर तीन, सुरिंसर लेक आइलैंड। दोस्तों ये आइलैंड जम्मू से लगभग 36 किलोमीटर दूर सुरिंसर नाम की एक झील में है। ये एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड है जहां पर कोई भी नहीं जाता। दोस्तों ये आइलैंड सुरिंसर लेक के बीचों बीच है जहां पर आपको दूर से ही इस आइलैंड पर एक घना जंगल दिखाई देने लगेगा। दोस्तों इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में चमगादड़े रहती हैं जो कि आपको दूर से ही दिखाई देने लगेंगी, और ना जाने यहाँ पर कितने और कई जानवर रहते हैं। और दोस्तों अभी तक इस आइलैंड को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि ऐसा करना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। और अगर आप इस आइलैंड का चक्कर लगाना चाहते हो तो आपको वहां पर बोट भी मिल जाएगी, लेकिन इस आइलैंड पर चढ़ने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। दोस्तों आप में से किस में इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने की हिम्मत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नंबर दो, चामुंडा आइलैंड और बसोली आइलैंड। दोस्तों ये आइलैंड जम्मू से लगभग 169 किलोमीटर दूर बसोली में रावी नदी में स्थित है। दोस्तों यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और यह आइलैंड काफ़ी बड़ा है जो कि बसोली ब्रिज से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बोट के सहारे यहाँ पर जाना पड़ता है जो कि आपको इस आइलैंड तक लेकर जाती है। इस आइलैंड पर एक 700 साल पुराना चामुंडा माता जी का मंदिर भी है जो कि बसोली के काफ़ी मशहूर मंदिर चंचलो देवी टेम्पल से भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इस आइलैंड की खूबसूरती को आप मालदीव आइलैंड से भी कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस आइलैंड को डेवलप करना चाहिए ताकि यहाँ का टूरिज़्म बढ़ पाए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर पहला, चार चिनार। दोस्तों चार चिनार के बारे में किसने नहीं सुना होगा। चार चिनार श्रीनगर की शान डल लेक के बीचों बीच बना एक आइलैंड है जो कि कश्मीर में आने वाले टूरिस्टों को काफ़ी पसंद आता है। यह आइलैंड काफ़ी डेवलप है जहां तक पहुंचने के लिए आपको डल लेक में चलते शिकारे पर बैठना होता है और वो शिकारा आपको उस आइलैंड तक ले जाता है जहाँ पर पहुँच के आप उस आइलैंड पर घूमने का मज़ा उठा सकते हैं। दोस्तों इस आइलैंड का नाम चार चिनार इसीलिए है क्योंकि इस आइलैंड के चारों ओर चिनार के पेड़ लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसका नाम चार चिनार पड़ गया। दोस्तों इसे रोपा लैंक या रूपा लैंक भी कहा जाता है। इस आइलैंड को मुगल सम्राट औरंगजेब और उसके भाई मुराद बख्श ने बनवाया था। तो दोस्तों ये थे जम्मू कश्मीर के तीन आइलैंड। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।